नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और 42 साल के बाद वापस लो, वापस लो। बीएसएससी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बीएसएससी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। लकी फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। बीएसएससी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। लकी फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। 2014 के विज्ञापन के अनुसार काउंसलिंग करवाओ, काउंसलिंग करवाओ, काउंसलिंग करवाओ। 2014 के विज्ञापन के अनुसार काउंसलिंग करवाओ, काउंसलिंग करवाओ, काउंसलिंग करवाओ। आनाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएसएससी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। बीएसएससी सर करो, सर करो, सर करो। बीएसएससी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। दोस्तों आयोग है, ये निकम्मा तो है ही, लेकिन ये अमानवीय व्यवहार भी कर रही है। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सुबह में रात में कोई चल के आए होंगे, किन्हीं के पास स्वेटर नहीं है, जैकेट नहीं है, इसके बावजूद भी इसका रवैया देखिए कि ये लोग तानाशाही रवैया अपना रहे। हम लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग सिर्फ इतना चाह रहे हैं, जो विज्ञापन इन्होंने खुद निकाला उस विज्ञापन के अनुसार ये काउंसलिंग करवाए, बहाली करवाए। इसमें क्या हम मांग रहे हैं? लेकिन इतना भी ये लोग नहीं कर रहे, ये लोग जानबूझ के नौटंकी कर रहे हैं ताकि ये बहाली रुक जाए और सभी सीट ना भर पाए। लेकिन अब जो है, हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे और इस ऑफिस से अंदर से कोई भी स्टाफ बाहर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। जो भी जिला प्रशासन की टीम है, जिला प्रशासन के जो भी लोग हैं, पुलिस वाले, वो लोग आ जा सकते हैं, लेकिन बीएसएससी के कर्मचारी हो, कोई भी हो, उनको अंदर से बाहर हम लोग नहीं जाने देंगे जब तक कि हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी। हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं, हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं ना जी, सबको आने जाने दिए। भगवान राम भी 7 दिन तक इंतजार किए कि समुद्र रास्ता दे दे, लेकिन जब रास्ता नहीं दिया गया तो धनुष तान लिए। तो हम लोग अंदर है वो अंदर ही रहेंगे, अब बाहर नहीं जाने देंगे। और जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो बाहर जाना चाहे जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हम लोग बैठे, जब तक बैठे रहेंगे बीएसएससी के कर्मचारी भी आ रहे हैं, जो भी अंदर में रहे, क्योंकि हम लोग 7.5 साल से भोग रहे हैं। इन लोगों को तो वेतन भी मिल रहा है, हम लोग को क्या मिल रहा है? हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। अब जो लोग अंदर है अंदर ही रहेंगे। और अगर बीएसएससी के अध्यक्ष सचिव को लगे तो गोली चलवा दे, हम लोग तैयार है। हम लोग सीना पे गोली खाना पसंद है, हम लोग सीने पे गोली खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे। और कोई भी लड़का यहाँ से हिलेगा नहीं, पीछे हो गया समझो कि वो नपुंसक होगा। ये तो आप याद रखिएगा। और अंदर आने के लिए सिर्फ उसी को अंदर आने दिया जाएगा जो बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष होंगे, बाकी अब अंदर भी कोई नहीं जाएंगे, कोई अंदर भी नहीं आएंगे। और जिनको लगता है कि हम लोग गलत है तो गोली चलवा दीजिए, हम लोग तैयार हैं, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? सीना पे खाएंगे, गोली खाएंगे तो सीने पे खाएंगे, सीने पे खाएंगे, क्योंकि हम लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, गलत चीज के लिए नहीं लग रहे हैं। और ठंड 2 दिन से बहुत बढ़ गई है, ठंड बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जो लोग भी अभी सुन रहे होंगे, अगर पटना में आप लोग मौजूद है तो हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अगर हो सकता है तो कंबल लाके यहाँ व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे किसी दोस्त को ठंड लग जाए और इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़े। लेकिन ये सरकार, ये बीएसएससी निकम्मी है कि हम लोग को मजबूर कर दी है। तो आप लोग अगर हमारी बातों को सुन रहे हैं तो हाथ जोड़ के विनती है, जो भी जिन लोगों को भी हम लोगों पे दया आ रही होगी कि इस ठंड में हम लोग कैसे रहेंगे रात भर, तो प्लीज कंबल की व्यवस्था आप लोग कर दीजिए। जो भी लोग हो, हम किसी को पर्सनली नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग भी, अगर जिन लोगों को लगता है कि बिहार के युवाओं की मांग सही है, तो हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग कंबल बीएसएससी ऑफिस पहुंचाने का काम कर दीजिए प्लीज, क्योंकि ठंड बहुत है। हमें पता है, हम 4 बजे सुबह में घर से निकले हैं, बस से आए हैं, अभी तक मेरा पैर दोनों दर्द कर रहा है ठंड से, तो ठंड बहुत है, रात में लगेगी हमें पता है, लेकिन फिर भी हमारा इरादा मजबूत है, इस ठंड के आगे भी हम लोग नहीं झुकेंगे, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन अगर आप लोग कंबल की व्यवस्था कर सकते हैं, जो लोग पटना में है कंबल की व्यवस्था हम लोग कर दीजिए, हम लोग यहीं पर रहेंगे।